मैं हूँ शिल्पी और आपका स्वागत है हमारी रसोई में। आज मैं आपको बताऊंगी टोमेटो की पूरी बनाना। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया एक कटोरी व्हीट फ्लोर, दो चम्मच सूजी, नमक स्वादानुसार, हल्दी आधा चम्मच, दो चम्मच तेल लिया मैंने, लाल मिर्च पाउडर और दो टमाटर लिया है मैंने। सबसे पहले हम टमाटर को उबालकर मिक्सर में प्यूरी बना लेंगे। तो आइए हम टमाटर उबालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में पानी लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो गया, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे उबलने देंगे। जब अच्छी तरह से पक जाएगा तब हम इसे निकालेंगे। टमाटर अच्छी तरह से उबल गया है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और टमाटर को छील के और मिक्सर में पीस लेंगे। अब हम टमाटर को मिक्सर में पीस लेंगे, हम इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करेंगे। ये हमारी टमाटर की प्यूरी बनके रेडी हो गई है। अब हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने डाल दिया आटा, व्हीट फ्लोर, दो चम्मच रवा यानी सूजी, टर्मरिक, नमक, लाल मिर्च पाउडर और दो चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इस टमाटर की प्यूरी की मदद से मैं इसे गूंथूंगी। इसमें मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करूंगी। हम थोड़ा थोड़ा टमाटर की प्यूरी डाल के और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। नॉर्मल पूरी की तरह इसका डो बना के हमें रेडी करना है। अगर टमाटर की प्यूरी कम पड़ गई तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, और टमाटर की प्यूरी अगर बच गई तो आप इसे और वेजिटेबल में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आटे का सॉफ्ट डो बना के रख लिया। इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। 10 मिनट हो गया, हमारा डो अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम पूरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे डीप फ्राई करने के लिए। मैं यहाँ रिफाइंड तेल का यूज़ कर रही हूँ और ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो रहा है तब तक हम पूरी बेल के तैयार कर लेंगे। छोटा सा लोइया लेंगे हम। थोड़ा सा सूखा आटा मैंने लगाया, जिससे अच्छी तरह से हम पूरी बेल लें। नॉर्मल पूड़ी की तरह ही हमें बेलना है। बाकी को भी हम ऐसे ही बेल करके रेडी कर लेंगे, जब तक कि ऑयल गर्म हो। मैंने पूड़ी बेल करके तैयार कर लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पूड़ी डालेंगे फ्राई करने के लिए। हमारी पूड़ी देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरह से भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसे अच्छी तरह से मैंने डीप फ्राई कर लिया, अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी पूड़ियों को भी हम इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। अब हमारी ये टमाटर की पूड़ी बनके तैयार हो गई है। ये दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।